सात आठ की देर रात्रि लगभग 1:30 बजे जो है जेम इंस्टीट्यूट स्पीच एंड हियरिंग आसरा होम रोड नंबर 5 इंद्रपुरी थाना पाटलिपुत्र के आसरा होम से 5 मुखबधिर लड़कियां जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर से साड़ी का इस्तेमाल करते हुए नीचे उतरकर भागने का प्रयास कर रही थी। उसी दरमियान जो है स्थानीय थाना का पेट्रोलिंग गाड़ी गश्ती में थी, जिसको देखकर उन लोगों ने उनसे पूछताछ किया तो ये बात सामने आई कि लोग आसरा होम की बच्चियां हैं, उनको सुरक्षित थाने पे लाया गया। बाद में फिर आगे इस पर जो विधि सम्मत कार्रवाई उसको हम लोगों ने किया है। कितने बच्चे थे? 5 बच्चियां थी, 5 सुरक्षित हैं। ये आसरा गृह होम है, ये मेंटली रिटार्डेड और मूक बधिर जो लड़कियाँ हैं उसका ये आश्रय होम है। कल रात को 1:30 बजे के करीब फर्स्ट फ्लोर में इसके पीछे से साड़ी के बल पर 5 लड़कियां भाग गई। ये रोड नंबर 5 है, ये आसपास के रोड नंबर 7 में डिफरेंट जगह पर थी, पुलिस गश्ती में थी, पुलिस ने उसमें से सारी लड़कियों को डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर से बरामद कर लिया रोड पर से, क्लियर है। उसमें से एक लड़की एक घर में घुस गई थी जहाँ के लोगों ने खबर किया कि यहाँ एक लड़की आई हुई है, और उसके बाद पुलिस को पता चला और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लड़कियों को सुरक्षित वापस यहाँ ले आया। मैंने अभी इन सभी लड़कियों से पर्सनली अकेले में बात किया है, यहाँ के स्टाफ से भी बात किया है। जो रिंकी कुमारी लड़की है, चारों लड़की सोई हुई थी, ये रिंकी कुमारी गायघाट आश्रय होम में पहले थी जी। वो वहाँ से भी पहले भागी थी, ठीक है, वो पहले भी भागी थी। अब मेंटली रिटार्डेड है क्या और रीज़न है, मूक बधिर है वो। और ये रात में ये 4 लड़कियों को इसने जो है ये 3 दिन पहले भी वो लड़की भागने की कोशिश की थी, ठीक है, रिंकी कुमारी, उसने ये 4 लड़कियों को उकसा के सोते हुए जैसा उन चारों लड़कियों ने बताया, इशारे से बताया, उसके इंटरप्रेटर यहाँ के थे कि उन 5 लड़कियाँ भागी। उन लोगों ने किसी भी तरह का किसी कोई सेक्सुअल या किसी अन्य किसी तरह की बात या कोई भी तरह की बात, चाहे खाना या दिक्कत, ऐसी बात नहीं बताई है। सभी बालिग हैं सर या नाबालिग हैं? एक बालिग है। खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।